हेलो एवरीवन आई एम बैक विद द वीडियो ऑन एसएससी चंडीगढ़ जीबीटी आंसर की तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे वन टू फिफ्टी क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम आपका टेंथ ऑफ दिसंबर को हुआ था टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो आप उसकी ऑफिशियल आंसर की जो है आ चुकी है आगे अगर आपने फर्स्ट जो है पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा आपका कोई भी सेट हो आपके आगे पीछे क्वेश्चन आंसर होंगे ये मैं डी सेट के हिसाब से डिस्कस कर रही हूँ तो आप अपने सेट के हिसाब से कर लेना बाकी मैं टेलीग्राम पर भी अपने इसका जो है आंसर की शेयर कर दूंगी आप वहां से भी मैच कर सकते हो लेकिन मैं यहां पर जो है सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी क्योंकि हो सकता है आने वाले जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वहां पर जो है आपकी ये क्वेश्चंस कुछ रिपीट हो जाएं तो आपको कोई इन क्वेश्चन में परेशानी नहीं होनी चाहिए तो मैं आपके साथ सोल्यूशन डिस्कस करूँगी तो चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना क्योंकि अपनों के साथ दूसरों का भला भी होना चाहिए तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचा देना और मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपका कित जब सोल्यूशन पूरा हो जाए तो आपको कितने आपके करेक्ट आंसर थे कितने रोंग थे आपने ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में अपने शेयर करना है ऑनेस्टली आपने बताना है उसके हिसाब से जो है कट ऑफ का अंदाज़ा आ जाएगा Uh, uh, दूसरी कैंडिडेट्स भी जब करेंगे कमेंट तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर जो है शेयर करना है तो फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ तो बिफोर द एज ऑफ कितनी एज uh, से पहले जो बच्चे हैं वो uh, अगर वो जीवित नहीं रहते हैं तो कब तक का आपका वन ईयर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तो वन ईयर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा आगे चलते हैं हम फिफ्टी uh, सेकेंड जो है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल आपको बताना है कोलेट्रल का जो है इनमें से कौन सा उदाहरण है तो ऑल ऑफ दीज क्योंकि लाइफ स्टॉक्स लैंड डिपोजिट विद बैंक ऑल आर द एग्जाम्पल्स सो ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फिफ्टी थर्ड जो क्वेश्चन है आपका विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नोट अ फैक्टर फॉर किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को डिटरमाइन करने के लिए क्या एक फैक्टर नहीं हो सकता तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इसका पॉपुलेशन आंसर भी हो सकता है बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका हेल्थ स्टेट ऑफ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल जो कि ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इन्होंने सही माना है तो पेन वाले आप आंसर्स के साथ ना जाएँ अभी अभी जो है मैं करेक्ट आंसर मार्क करवा रही हूँ क्योंकि ये तो जो पेपर मुझे ऑनलाइन मिला था ये वो क्वेश्चन पेपर है तो कैंडिडेट ने जो है मार्क कर रखे हैं वो आंसर सही भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते तो अभी साथ साथ जो करवाऊंगी वो हंड्रेड परसेंट करेक्ट है एज़ पर ऑफिशियल आंसर की तो फिफ़्टी फोर्थ क्वेश्चन इज़ द मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड इज़ टू तो देखो एमएनसीज कैसे किसी देश में आती हैं वो लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं ऑप्शन सीज का करेक्ट है अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट इन इंडिया इन अ स्पेशल स्टेटस तो वो कौन सी स्टेट है नागालैंड अगला है अकाउंटेबिलिटी टू सिटीजन्स इज द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ देखो नागरिकों के प्रति जवाबदेही मतलब uh, जो है जहाँ पर सिटीजन्स के अधिकारों को जो है महत्व दिया जाता है तो वो किस में होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसीज का करेक्ट होगा अगला है दो स्टेटमेंट आपको दी थी पावर शेयरिंग गुड है डेमोक्रेसी के लिए दूसरा है कि ये मतभेद का जो है उसकी पॉसिबिलिटी सोशल ग्रुप्स के बीच में कम कर देती है तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी तो ऑप्शन बी बोथ पी एंड क्यू राइट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडोव्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी ऑप्शन सी करेक्ट है फ्रेश वाटर हमें जो है मेनली आपको बताना है इट इज़ ऑप्टेंड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर दैट इज़ कंटिन्यूअली बीइंग रिन्यूड जो रिन्यू होता रहता है और रिचार्ज होता रहता है तो इस वाटर को साइकिल uh, को क्या बोलेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल नेक्स्ट वन टेरेस कल्टीवेशन कहाँ पर होती है तो आपको पता है कि जो भी uh, पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर होती है पहाड़ी एरियाज में तो इसका सिक्सटी ये तो पंजाब और यूपी और हरियाणा यहाँ पर तो इतनी पहाड़ ये तो ऐसी स्टेट्स नहीं हैं जो पहाड़ों पर बसी हूँ तो ज़्यादातर अब आपको उत्तराखंड में जो है टेरिस कल्टिवेशन देखने को मिलेगी नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्स आयरन ओर आपको बताना है आयरन ओर जो है किस टाइप का रिसोर्स है तो वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा ये गलती से वाँक लग गया है भाई उत्तराखंड सॉरी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मैंने उत्तराखंड बताया था सिक्सटीथ का सिक्सटी uh, फर्स्ट का क्या है सी करेक्ट आंसर है आपका वाई विच रीजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स तो ये क्या है इसको क्या बोलते हैं उनको मतलब डिफ्रेंशिएट किया जाता है लोगों को उनके फ्लैग्स के थ्रू उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम के थ्रू तो यू टॉपें इसका करेक्ट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अनब्रिडल्ड पार्स टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट इम प्रीजन सस्पेक्ट्स तो देखो बिना मुकदमे की संदिग्ध जो लोग थे उनको गिरफ्तार करने का जो हक दिया गया था वो कौन से एक्ट में था आपके रॉलेट एक्ट में जो कि नाइनटीन में हो आया था अगला है सत्याग्रह के बारे में सही स्टेटमेंट बतानी थी इसमें तो आपकी सत्याग्रह जो है एक फिजिकल फोर्स नहीं है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है उसके अलावा सत्याग्रह डज नॉट इनफेक्ट पेन ऑन द एडवेस्ट्री ये भी सही है कि विरोधी को पीड़ा नहीं देती तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ए और सी क्योंकि दोनों सही हैं मिड सिक्स में आपको बताना है प्रिंटिंग प्रेस पहले किस स्टेट में आई थी आंसर ए इसका गोवा होगा एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में इंडिया की पोजीशन क्या है इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है तो थर्ड पोजीशन हासिल की है ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें अगले में अचिंता शुली जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में आपको बताना है उनका संबंध किस खेल से है तो वेट लिफ्टर वो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा एल जो है इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं एल गैस के तो वो हैं आपके ब्यूटेन एंड प्रोपेन आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किसको यूज़ किया जाता है तो इनमें से सबको जो है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है देखिए भगत सिंह ने बॉम्ब जो डाला था वो uh, सेंट्रल असेंबली पर वो 1929 में डाला था ये भी करेक्ट है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इकतीस में हुई थी वो भी सही है साइमन कमीशन पहली बार भारत 1930 में आई ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और गलत ही आपको चाटनी थी तो ऑप्शन इसका जो सी है आपका सॉरी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं पंजाब की क्या थीम थी आपको बताना है जो रिपब्लिक डे परेड हुई उसमें जब झांकियाँ निकाली गई तो इसमें पंजाब की क्या वो थी थीम तो वो उनका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रीडम स्ट्रगल थी उसकी तो कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल आपका करेक्ट आंसर होगा किस कंट्री का पासपोर्ट जो है सबसे पावरफुल होता है तो जापान का है एज पर हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू कौन सी पहली एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पद्मश्री जीता तो वो नरगिस दत्त अगला क्वेश्चन है कि आर के नारायण ने वर्चुअल रीजन करेक्ट किया क्रिएट uh, किया है uh, उसका नाम आपको बताना था तो मालगुडी डे एक सीरियल भी आता था तो मालगुडी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट uh, इज लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर बताने हैं आपको कि चंडीगढ़ में से कितने सिलेक्ट होते हैं तो देखिए राज्यसभा लोकसभा का कोई मेंबर नहीं होता और जो है राज्यसभा में जो कि फ़िलहाल अभी किरण खेर जी हैं तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि राज्यसभा का एक मेंबर जो है इलेक्ट होता है फीफा अंडर सेवेंटीन वुमेन वर्ल्ड कप 2022 ट्वेंटी टू ये किस स्टेट ने होस्ट किया तो ये किया ओडिशा ने तो ऑप्शन सी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट वन इज़ मेंटल हेल्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए चिल्ड्रन की जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो गाइडलाइंस जारी किसने की हैं वो की हैं एनसीआरटी ने इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का थीम तो देखिए मुझे भी लगा था कि ह्यूमन फॉर पीस इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए लेकिन वो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस वो कुछ और था उसके लिए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का थीम क्या है एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस आपका जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है विच एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर भगत सिंह जो है फ्रीडम फाइटर उनके पीछे किस एयरपोर्ट का नाम पड़ा है तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है हु इज़ द विनर ऑफ़ दादा साहेब फाल्के अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ये किसने जीता आपसे ये पूछा है तो आशा पारेख जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है अगला है आपको इनमें से बताना है कि ये एक पैटर्न गया था इसको कंप्लीट करना है आपको तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा थ्री थर्टी सिक्स नेक्स्ट जो नंबर जो इसमें आएगा वो थ्री थर्टी सिक्स होगा ऐसे ही आगे भी एक पैटर्न दिया था ये तो बहुत ईजी रीजनिंग आप कह सकते हो तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बी करेक्ट होगा एटी थर्ड का जैसे लॉइन इज रिलेटेड टू प्रॉल इस तरीके से बियर इज़ रिलेटेड टू लंबर ऑप्शन बी इसका करेक्ट है एटी फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको जो है ये दिया था कि फायर को uh, फायर को ये लिखा जाता है मूव को ये लिखा जाता है तो देखो मैं आपको बताती हूँ ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो ए बी सी पूरी अल्फाबेट आपने लिखनी है और उनके नीचे नंबर डालो वन टू थ्री फोर अप टू जैसे ट्वेंटी सिक्स जो है जेड तक हो जाएगा उस हिसाब से जल्दी जो है इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं इसका आंसर जो सही है वो है आपका ऑप्शन बी एटी फोर्थ का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जेंटलमैन की तरफ इशारा करते हुए दीपक कहते हैं कि ये भाई है मेरी uh, किसके भाई हैं इज़ द फादर ऑफ इज ओनली ब्रदर की इनके भाई जो हैं वो फादर हैं मेरी डॉटर के फादर की तो दीपक का उसके साथ क्या रिलेशन है तो वो दीपक के क्या लगते हैं अंकल नेक्स्ट इज कुाल uh, वॉक्स आपको ये दी थी एक स्टेटमेंट ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो आप डायग्राम बना लो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ और यहाँ से शुरू करते हुए जिस भी डायरेक्शन में आपको बोले जैसे टेन किलोमीटर टुआर्ड्स नॉर्थ गया फिर सिक्स uh, किलोमीटर टुअर्ड्स साउथ गया तो वापस साउथ की तरफ तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ फाइव किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा अगला है कि अगर ये तो बहुत इजी बच्चों वाले क्वेश्चन हैं कि बस आपको ये ध्यान रखना है जैसे मल्टीप्लाई यहाँ पर है तो मल्टीप्लाई को क्या माना गया है मल्टीप्लाई का अर्थ है क्रॉस का अर्थ है माइनस इसकी जगह माइनस रख दो फिर माइनस मीन्स डिवाइड तो माइनस की जगह डिवाइड रख दो और इस तरीके से इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आपका ज़ीरो है ऑप्शन ए सही है अगला है आपको फिगर दी हुई थी और आपको करेक्ट फिगर छाटनी थी तो इसका फर्स्ट का आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से मतलब एट्थ क्वेश्चन का वो बी है इससे अगला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से वो भी क्या है आपका बी है नाइन्टी नाइन्थ जो है इसका जो है सी है आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा नेक्स्ट इज़ इसमें से आपको रिलेशनशिप बताना था कि जैसे स्नेक जो है स्नेक क्या है एक रेप्टाइल है तो इस तरीके से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है तो वास्प जो है वो एक इंसेक्ट है ये इसका करेक्ट आंसर होगा अगर वाटर को मिल्क कहा जाए और मिल्क को ब्रेड कहा जाए मतलब वाटर को क्या बोला है मिल्क और मिल्क को बोला है ब्रेड और ब्रेड को बोला है बटर तो बटर को बोला है स्काई तो आपको बताना है कौन सी चीज़ बेकर बेक करेगा तो बेकर तो ब्रेड को ही बेक करेगा तो अब देखो कि इसमें से ब्रेड ब्रेड किसे बोला गया है मिल्क मिल्क इज कॉल्ड ब्रेड ब्रेड को बोला लिख गया है लेकिन ब्रेड को क्या बोला गया है बटर तो मेरे हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे हिसाब से इसमें बटर होना चाहिए लेकिन आंसर की के हिसाब से मिल्क इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि मिल्क को इन इन्होनी मिल्क इज कॉल्ड ब्रेड तो ब्रेड को कहा जाएगा उसको थोड़ा ना ब्रेड को जो कहा गया है बटर तो बटर जो है बेक होगा क्योंकि बट ये मुझे लगता है इस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए आप अपनी राय ज़रूर देना अगला क्वेश्चन है इसका बी का संबंध जो जी जे से है आपको बताना है इस तरीके से पी एस जो है इसका संबंध किससे है तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि अल्फ़ाबेट के आप नंबरिंग कर लो आपका जल्दी निकल जाएगा तो इसका यू एक्स जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें से ओड वन आउट आपने सेपरेट करना था तो इसमें से जो है हाउस फ्लाई स्पाइडर मॉस्किटो बटरफ्लाई इसमें से देखिए आपको ये सब जो है हाउस फ्लाई मॉस्किटो बटरफ्लाई ये सारे उड़ते हैं स्पाइडर इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट वन इज़ आपको दिया गया था फादर मदर आपको वेन डाइग्राम बनाना था और पेरेंट्स देखिए पेरेंट्स तो दोनों ही होते हैं फादर और मदर अलग अलग होते हैं लेकिन पेरेंट्स तो दोनों ही होते हैं तो ऑप्शन बी इसका आपका सही जवाब है अगला क्वेश्चन मैथ का है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है इसका बिल्कुल सही आंसर मैं आपको बताती चलूँगी आपने जो है इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व कर लेना है टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर जो है इसका सही आंसर आएगा अगला क्वेश्चन है इसमें आपको जो है वो टेम्परेचर वाला है इसमें सेल्सियस से फेरन में कन्वर्ट करना है इसका नाइन्टी डिग्री आएगा आप डिग्री फेर आपको रिलेशन पता होगा फ़ेर किसके इक्वल होता है नाइन बाई फाइव सी प्लस थर्टी टू के इक्वल होता है आप इस हिसाब से सी की वैल्यू पुट करके फेर निकाल सकते हो अगला क्वेश्चन फिर से जो है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि थोड़ी सी लेंदी पड़ेगी तो आपको मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दिए जा रही हूँ डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा इलेवन हंड्रेड इलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड सॉल्व करके देख लेना फिर अगला क्वेश्चन है नाइन्टी नाइन्थ उसका सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी इसलिए इतने बड़े जो क्वेश्चन हैं उनका ये एज वाला क्वेश्चन है इसमें भी आपको रवि की जो है एज एट प्रेजेंट एज बतानी है तो सिक्सटीन इसका करेक्ट आंसर होगा मतलब ए ऑप्शन अगला है गोल्ड और सिल्वर का अलॉय है और इसमें आपको बताना था आंसर तो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से फिफ्टी इसका करेक्ट आ रहा है लेकिन आई थिंक इसका फोर्टी होना चाहिए एक बार आप भी सॉल्व करके देख लेना अगला क्वेश्चन है वन हंड्रेड टू इसका करेक्ट आंसर आ रहा है सी उससे अगला क्वेश्चन है दो टैप्स हैं आपको ये मतलब मोस्टली मैथ्स जो है क्लास टेन से आया है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ये आ, आपने किए होंगे क्वेश्चन फॉर चैप्टर में नेक्स्ट इज पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये एट्थ स्टैंडर्ड से उठाया है इसमें आपको बताना है कि बी का शेयर क्या होगा इस प्रॉफिट में से तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ आठ सौ रुपये होगा बाकी आप निकाल के देख लेना वन हंड्रेड फाइव का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो आ रहा है ऑप्शन आपका बी सिक्स जो है सही जवाब है आप एक बार चेक कर लीजिएगा नेक्स्ट इज़ वो भी आपका डायरेक्शन का डायग्राम बना करके ये हो जाएगा सॉल्व जो मैंने आपको बताया था वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ आप ऐसे प्लॉट कर लें और फिर उसके हिसाब से निकालें तो वन हंड्रेड सिक्स का जो आपका सी जो है करेक्ट आंसर आएगा हापटे न्यूज़ आपने निकालनी थी नेक्स्ट वन इज़ वन हंड्रेड सेवन इसमें सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है टेंथ ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका ट्वेल्व हंड्रेड ऑप्शन सी आएगा वन हंड्रेड एट जो है ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा एट थाउजेंड अगला है लेंथ को अगर हम हाफ कर दें और ब्रेड को तीन गुना बढ़ा दें तो आपको बताना है एरिया में कितना चेंज होगा तो पहले एरिया जो होगा वो लेंथ इन टू ब्रेड होता है एरिया फिर लेंथ का एल बाई टू कर दिया और ब्रेड को थ्री टाइम मल्टीप्लाई कर दिया थ्री बी कर दिया तो आपको बताना है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ तो जो चेंज हुआ है वो अपॉन में ऑरिजिनल इंटू हंड्रेड कर देना तो आपका करेक्ट आंसर जो है इसका आ जाएगा फिफ्टी परसेंट जो है इंक्रीज होगा एरिया नेक्स्ट वन इज लेंथ ऐसे ही लेंथ ब्रेड हाइट दी है क्यूबोइड की Uh, उसमें uh, आपको बताना है लेंथ में हंड्रेड परसेंट ब्रेथ में ट्वेंट टू हंड्रेड और हाइट में भी टू हंड्रेड परसेंट इंक्रीज करके कि कितने टाइम इंक्रीज़ हुआ है ओरिजिनल से तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको सीधा uh, वॉल्यूम जो है क्यूबोर्ड की उसका फॉर्मूला यूज़ करना है एल बी एच आराम से ही निकल जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया टू बिलोंग टू contrived experiences से डेल एडगर्स के कोन ऑफ लर्निंग के हिसाब से आपको बताना है कौन सा मीडिया जो है इनमें से कंट्राइवड एक्सपीरियंसेस uh, से बिलोंग करता है तो इसका सही जवाब जो है आपका वो है डेमोन् uh, इसका मॉडल्स ऑप्शन बी इसका सही जवाब है ऑफिशियल आंसर के हिसाब से नेक्स्ट इज आपको बताना था गुड कम्युनिकेशन uh, uh, अगर टीचर की क्लासरूम uh, में गुड कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ जरूरी है तो क्लैरिटी ऑफ थॉट होगी तो कम्युनिकेशन खुद ही सुचारू रूप से चलेगा तो ऑप्शन ए इसका सही है अगला है uh, कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कब इन्हांस होती है जब वो खुद अपने हाथों से कुछ करके एक्टिविटी और तब सीखेगा तो डूइंग बाय हैंड जो इसका करेक्ट आंसर होगा एक स्कोरिंग गाइड विच इज़ यूज टू एवेलोएट स्टूडेंट की क्वालिटी परफॉर्मेंस को मापने के लिए जो यूज़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं रूब्रिक्स नेक्स्ट इज रियलियर का मीनिंग बताना था लैंग्वेज क्लास में क्या होता है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा आपका रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स नेक्स्ट वन इज आपको बताना है ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए बेटर आइटम क्या है तो मैं सीधा आंसर बता देती हूँ ऑप्शन बी इसका एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोर्स विद एग्जाम्पल इस तरीके के जो क्वेश्चन है फिर है अगला क्वेश्चन कि कंटिन्यूस कंप्रीहेंसिव इवेलुएशन आपका जो है सी सी ई उसमें क्या आता है उसमें आता है कि लर्नर्स जब सीख रहे हैं उसके साथ साथ जो है सीखने के दौरान जो है शिक्षार्थियों का आंकलन किया जाए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन उसमें आपसे एक जो है देखिए हर बार आपको कोई ना कोई जो है इसमें डिफेक्ट पे क्वेश्चन आता है अब की बार था रीडिंग डिसऑर्डर मतलब रीडिंग डिफेक्ट है तो इस, इसको क्या बोलते हैं डिसलेक्स या क्या होता है राइटिंग से रिलेटेड ऑप्शन सी करेक्ट है रीडिंग पूछा था आपसे ड्यूरिंग uh, टीचिंग एक टीचर जो है एक स्टेटमेंट टीचर्स स्टेटमेंट जो है बच्चों को एंक्रेज करती है कि टू एलिब्रेट एन आंसर इधर ओन या फिर दूसरे के आंसर को आपने एलिब्रेट करना है आपनों डिस्क्राइब करना है तो आप इसको क्या बोलेंगे मतलब ये क्या है तो इसका जो है इसको बोलते हैं प्रॉबिंग ऑप्शन ए करेक्ट है probing, आउट ऑफ द टीचिंग अप्रोचेज लिस्टेड बिलो आपको बताना है इंडिविजुअल अप्रोचेज़ कौन सी हैं तो इसमें से वन ट्वेंटी का आपका जो है बी करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सेकेंड सेकेंड थर्ड और जो आपकी फोर्थ है ये तीनों अप्रोचेज़ जो है, वो हैं वो इंडिविजुअल अप्रोचेज़ हैं अगला है एक टीचर यूज़ करता है पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल्स का प्रेजेंटेशन के दौरान क्लास में तो ये किस लेवल को जो है डिपिक्ट करता है किस टीचिंग लेवल को डिपिक्ट करता है तो ये करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल को ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा अगला है एटीट्यूड बिहेवियल रेदर इनमें से कौन सा जो है एटीट्यूड एंड बिलीव के बजाय जो है बिहेवियल है अगर इफ़ेक्टिव टीचर बनना है तो उसकी उसके लिए तो वन ट्वेंटी सेकेंड का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन बी थर्ड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो है लोकस ऑफ कंट्रोल दिस वन एंड फोर्थ तो ये जो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ती. अगले क्वेश्चन सॉरी इसका सेकेंड uh, नहीं वेरी uh, सॉरी एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिएगा सीज़ का ऑफिशियल आंसर से करेक्ट आंसर है फोर्थ नहीं evaluating एंड फीडबैक जो है इसका करेक्ट आंसर ये ये होगा प्लीज़ थोड़ा सा एक बार एडजस्ट कर लेना अगर आपका गलत हो गया है तो इस ऑप्शन का वन ट्वेंटी सेकेंड का जो है सी करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी टू यूज़ लर्नड मटीरियल किसी जो आपने कुछ सीखा है और उसका आप यूज़ करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं एप्लीकेशन अगला है कुछ आइटम्स आपको दिए गए हैं आपको बताना है कौन सी जो है प्रोसेस कहलाती हैं रेदर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ जो है सेकेंड uh, फोर्थ एंड फिफ्थ ओपन क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और डाइवर्जेंट क्वेश्चन जो हैं उनको हम प्रोसेस कहेंगे नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल तो टीचिंग स्किल के लिए साथ इन सबका संबंध है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आर एफ आई डी की फुल फॉर्म जो होगी वो आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होती है ऑप्शन डी करेक्ट होगा फायरवॉल जो है वो उसका क्या काम होता है फायरवॉल का तो इसका जो सही काम होता है कि जो भी डाटा पैकेट्स होते हैं उनको एग्जामिन करना काम होता है तो ऑप्शन बी करेक्ट है अगला है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हाइपरटेक्स मार्कअप लैंग्वेज आपकी यूज होती है एच अगला क्वेश्चन है कि लोकेशन uh, को स्पेसिफाई करने के लिए किसी वेब पेज की तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है आपका यू वही होता है एक एड्रेस जो स्पेसिफाई करता है कि आपका वेब पेज कहाँ लोकेटेड है वन थर्टी क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाइपर को डिस्प्ले करने के लिए वर्ड में आप क्या यूज़ करेंगे तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई की नहीं है जिसका आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट वन इज़ आपको बताना है लेफ़्ट इंडेंट को इंक्रीज़ करने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसका यूज़ होता है तो वो होता है कंट्रोल प्लस एम का अगला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोई न्यू स्लाइड आपने जो है करंट प्रेजेंटेशन के बीच में ऐड करनी है तो क्या होगा तो इसका भी कंट्रोल प्लस एम का यूज़ होता है न्यू स्लाइड के लिए अगर बिल्कुल ही आपने न्यू करनी होती है तब आपका कंट्रोल प्लस एन होता है अगर ऑलरेडी स्लाइड्स के बीच में स्लाइड करनी है तो कंट्रोल एम होगा अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में न्यूमेरिक एंट्रीज़ को बताने के लिए क्या यूज़ होगा तो वो काउंट फंक्शन यूज़ होता है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मल्टीपल अगर कैलकुलेशन आपने एक सिंगल फार्मूला के अंदर करनी है तो वो कौन सा फार्मूला कहलाएगा आपका ऑप्शन बी एरे फार्मूला वो होता है स्लाइड शो के लिए कौन सी की यूज़ होती है आपने पावर पॉइंट में देखा भी होगा कि एफ फाइव प्रेस करके हमने जो भी स्लाइड्स बनाई हैं उन वो स्लाइड शो जो है स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट वन है किस फंक्शन का जो यूज़ होता है करंट टाइम को इंडिकेट करने के लिए वो नाव फंक्शन होता है जंक ईमेल्स को क्या बोला जाता है स्पैम फिर है स्पेसिफिक कंप्यूटर को और मेन पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूज़ होता है वो भी अगेन यू आपका करेक्ट आंसर होगा एफ़ ट्वेल्व जो फंक्शन की है उसका क्या यूज़ होता है एमएस ऑफिस में तो वो होता है सीव एज डायलॉग बॉक्स जो है इससे खुल जाता है आ, आपको बताना था इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस नहीं है तो ये जो है ये ईमेल एड्रेस नहीं है क्योंकि ये आपका जो है ये आ, एक डोमेन नेम आपको दे रखा है तो ये ईमेल एड्रेस नहीं है फिर पंजाबी के क्वेश्चन थे तो पंजाबी मेरी भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा सा पढ़ने की तो यहाँ पर लिखे गए आपको बताना है हेठ लिख्याड़ा पतंग शब्द दे समानार्थक नहीं है पतंग शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है तो वो ऑप्शन ए है आपका दरवाजे दी कुंडी अगला क्वेश्चन है आपको बताना था इसमें कि शब्द अ अगित संबंधित नहीं है मतलब कि अशब्द जो है ना इसमें वो क्या बोलते हैं उसको प्रिफिक्स के रूप में नहीं है आ, उपसर्ग नहीं है तो अपाहज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अगला है आ, आपको बता दें जथा शब्द जो है वो किस टाइप का नाउन है तो वो इक, आपका इकट्ठ वाचक नाउन होगा कलेक्टिव नाउन जो होता है ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट वन इज वन फोर्टी फोर क्वेश्चन यही जमात बिज आपको एक स्टेटमेंट uh, दी है आपको बताना है कि कौन सा इसमें प्रोनाउन है जो यही शब्द है तो इसमें जो आपका प्रोनाउन यूज हुआ है वो हो जाएगा निश्चय वाची निश्चय वाची ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है कि आपको इसमें बताना है इसका मैं सही आंसर में बता देती हूँ अगर आपने किया है uh, कि उस विचारे मेहनती नू सारा महीना सारा महीना मठा मठा बुखार चढ़ा गया तो चढ़ा गया जो शब्द है चढ़ा गया वो आपको बताना है कि वो क्या है तो ऑप्शन इसमें जो आपका ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आप देख लीजिएगा फिर है कि लड़ाई के मैदान विच नगारियाँ ते चोटा वजदियाँ ही तो इसको आपको बताना था इसमें मैं ज़्यादा करेक्टली नहीं पढ़ सकती हूँ इसका करेक्ट आंसर में मैं आपको बता देती हूँ वजदियाँ ही जो करेक्ट है आंसर है ऑप्शन ए आपका सही है इसमें सॉरी ऑप्शन ए नहीं आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है आपका इसमें आगे बढ़ते हैं हम तो ऑप्शन uh, वन का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वन का जो है वो आपका ढेर सारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगले क्वेश्चन का जो है ये गफलत और गनीमत और गज़ल जो है इसको इसकी सही स्पेलिंग जो है वो ये होगी वन फोर्टी का बी जो है करेक्ट है वन फिफ्टी का जो है ये ख़त्म करना चौका फेर देना मतलब ख़त्म करना जो है इस मुहावरे का सही अर्थ हैगा तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक ज़रूर करें मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार और जितना हो सके आप शेयर करो क्योंकि शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता लेकिन हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि जैसे ही ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो हम भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं आप जैसे कि आगे केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम आएगा तो कोशिश करेंगे उसके लिए भी आपके लिए कुछ यूजफुल मटीरियल हम लाएं विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर वन एंड ऑल सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और टेलीग्राम का लिंक भी मैं कोशिश करूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आप हमें भी वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा आपको आंसर की की पीडीएफ वहां से भी मैं दे दूंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस